चलिए एक बार हम हमारे संवाददाता लोकेश ओला के पास चलते हैं, जो मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं हमें। जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर लोकसभा सीट के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है, जहाँ जयपुर जिले की जो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर जो लोकसभा सीट है उसके लिए ये राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में मतगणना चल रही है, जहाँ हम जो दिखाने थे जो मतगणना के जो पूरी तैयारी के साथ साथ मतगणना शुरू हो चुकी है। जो जिस प्रकार की निर्वाचन विभाग ने व्यवस्था की है उसमें यह है कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में मतगणना चल रही है, जहाँ जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की जो मतगणना है वो राजस्थान कॉलेज में की जा रही है, तो वहीं जयपुर शहर लोकसभा सीट की जो मतपेटियों की जो गणना है वो राजस्थान कॉमर्स कॉलेज में की जा रही है, जहाँ कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में 310 मतगणना दल है वो मतगणना कर रहे हैं। वहीं जो जयपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो 168 जो मतगणना दल है वो मतगणना कर रहे हैं, वहीं जयपुर शहर के लिए 142 मतगणना दल मतगणना कर रहे हैं, वहीं जयपुर शहर शहर सीट के लिए जयपुर शहर सीट के लिए राज्य जो 115 टेबलों पर 134 राउंडों में मतगणना होगी, और वहीं जयपुर ग्रामीण के लिए 122 टेबलों पर 137 राउंडों में मतगणना होगी। मतगणना को लेकर लगातार जो निर्वाचन विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है, वहीं त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था के बाद में ही मतगणना दलों और साथ ही जो एजेंटों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसी बीच इनकी जो मतगणना की जो तमाम व्यवस्था है वो कम्प्लीट हो चुकी है और मतगणना शुरू हो चुकी है। जयपुर से विजय गिरी के साथ लोकेश ओला एवं टीम। तो ये हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जो इस समय जयपुर में मौजूद हैं मतगणना स्थल पर, जहां जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के वोटों की गिनती हो रही है।